मालिक आप खड़े हो जाइए। क्यों? एक बार उठिए ना मालिक। तुम ये देखना चाहते हो पूरन काका कि हमने कितनी शराब पी है, क्या हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं मालिक, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात? ये फूल ये हार किस लिए है पूरन काका? सालगिरह मुबारक हो मालिक। साल आज के दिन हम पैदा हुए थे? हाँ वाली, अरे हम तो भूल ही गए। पूरन काका, हम नहीं जानते हम इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे लिए पैदा हुए हो। पूरन काका जी, जरा दो कदम पीछे। क्यों मलिक? दो कदम पीछे हटो। पूरन काका, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं तुम्हारे पांव को छूकर। मालिक, भगवान करे आप 100 साल जिए। 100 साल भी क्या, आप 1000 साल जिए। जिएंगे, तुम्हारे प्यार के सहारे जिएंगे, लेकिन एक शर्त पर, 1000 साल तुम्हें भी जीना पड़ेगा हमारे साथ। मालिक, ये उंगली क्या दिखा रहे हो आसमान को? अरे हुजूर, समझ लीजिए कि आसमान की खबर लाया हूँ। क्या बकते हो? अरे मुझे आज मालूम पड़ा मालिक कि अमेरिका वालों ने चांद की तरफ जाना क्यों छोड़ा। अरे क्यों 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 छोड़ा यार, बताओ। हुजूर, इसलिए छोड़ा कि चांद जो जमीन पे उतर आया, आप हुक्म दे तो आज शाम ही को उस चांद को आपकी बाहों में डाल दूं। कौन है वो? हम भी सुनना चाहेंगे। चांदी की बनी हुई, चांदनी में धुली हुई। ओ, 200 रुपया तो मुझे सिर्फ उसकी खबर लाने का मिलना चाहिए। 200 रुपया? अगर माल तारीफ से कम निकला तो हम तुम्हें आधा कर देंगे। गुलाम हाजिर है सरकार। ए तख्ता हुजूर। हाँ यार, एक मिनट में आ रही हूँ। बदतमीज है। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए लता। मैं आपको पीने नहीं दूंगी। What nonsense! तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? हमें पीने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हमारी मर्जी एक आजाद आंधी की तरह है, जिसे तुम जंजीरें नहीं बना सकती हो। तुम हंस रही हो? हंसने की तो बात ही है, जो बोतल की कैद तोड़ नहीं सकते वो आजाद आंधी की बात कैसे कर रहे हैं? लता, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। जी नहीं, मैं आपको आपकी सीमा बता रही हूँ। हर चीज की एक सीमा होती है, कुछ कीमत होती है। आपके पास तो न अपनी इज्जत की कीमत है न दूसरों के प्यार की। लता, ये पल्लू देखिए मेरा। मैं कितनी बार भीग चुका है आपकी माँ के आंसू। आपका बस चले तो आप माँ के आंसू भी पी जाएंगे, सिर्फ उनमें शराब जैसा नशा होना चाहिए। लता, जबान को लगाम दो। हमारे सामने जो गुस्ताखी करता हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं पीने दूंगी। नहीं पीने दूंगी। हम पिएंगे, तुम क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। ओह शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। यू ब्लडी वुमन। रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए, इसमें शराब से लाली भी ज्यादा है, नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। शराब का नशा तो रात को चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, मगर खून का नशा जल्दी नहीं जाता। पीजिए पीजिए। लता,
जल्दी बेटा। तुम क्या समझती हो हम खून के प्यासे कोई जंगली जानवर हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? हम शराबी जरूर हैं, मगर हम शराबी क्यों बने ये तुम्हें मालूम नहीं। हमारी कहानी शराब में नहीं खून में लिखी हुई है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो। कौन है ये? कौन है? तुम कौन हो, हम कौन हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। चेहरे की शांति देखो, इन आंखों में भरा हुआ प्यार देखो। ये वो देवी है जो हमारी मां है, लेकिन हमें मां से बढ़कर प्यार दिया इसने। लता, आसमान में उड़ते पंछियों, जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी माँ का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? माँ। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला तो उसका जवाब हमारी अपनी माँ ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। माँ। इसीलिए हमने हमेशा इसी को मां माना और किसी को नहीं। हमारी मां को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहिबा। मां, ये पता खेलिए। ये वाला? हाँ। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले, बेटा किसका है। लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं, उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया तेरा छोटे कुंवर को बोला। सोच क्या रही हो, पत्ता फेंको ना। ठहरो भी। माँ वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ वो क्या खेल रहे हैं? क्या कह रही हो बेटे, ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है? जी। खामोश। राजा साहब किधर है? बच्चा आपको माँ कहे तो कैसे, आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में 1000 बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में एक बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते, आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटे की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर। वो भयानक तस्वीर खुदी हुई है हमारे सीने पे। खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा। हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं मगर वो खून नहीं भूल सकते। रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खींच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कम चोट नहीं आई। रानी माँ का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो परसों बिस्तर से ना उठ सके। 15 साल इसी में गुजर गए। एक दिन
बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपने आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है, ऊंचे लोगों की दुनिया, जहाँ इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया? हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं, उनके पास हर बीमारी की दवा है लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद। हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खाकर कहते हैं, हम आज के बाद शराब कभी नहीं पीते। भैया, क्या बात है, शराब पी के आए हो क्या? शराब नहीं, तेरा घोला हुआ जहर पीकर आ रहे। बोल, देवी माँ के हार का नाटक क्यों रचाया तूने? बोल, देवी माँ की सौगंध खाकर क्या क्या साजिशें की तूने लता को महल से बाहर निकालने के लिए? तुम चाहते क्या हो? सदियों से बनाई हुई इस खानदान की इज्जत एक पल में खाक हो जाए? ये हमारे होते हुए कभी नहीं होगा। क्योंकि तू खानदान की इज्जत बढ़ा रहा है मासूमों और बेकसूरों पर जुल्म करके। तू उस खानदान के लिए गालियां जिसमें तूने जन्म लिया है। समान को लगाम दो, तुम्हारी रगों में किन लोगों का खून है? एक मामूली लड़की से शादी करके तुम उस खून में नारियों की गंदगी भरना चाहते हो? शमशेर, इस महल के इतिहास में लिखा जाएगा तो लिखा जाए एक भाई ने दूसरे भाई का खून कर दिया, मगर साथ ये भी लिखा जाएगा उसने भाई की जान ली इंसाफ की खातिर। अगर तुम्हें पिस्तौल खाना है तो अपनी नाक खाली बता लो। हम तुम्हें बताते हैं हार कैसे चोरी हुआ और किसके हुक्म से। हमारे इतनी बड़ी जागीर का मालिक और एक नौकरानी के लिए अपने आप को भूल बैठे कि हमसे देखा नहीं गया। माँ का प्यार नौकरानी के प्यार के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। माँ का प्यार, कहाँ का शब्द है ये? ये शब्द आज हम पहली बार इस महल में सुन रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूँ रानी माँ जी, आपको मालूम है माँ का प्यार क्या होता है? मालूम हो भी कैसे, आपको अपने आप से फुर्सत ही कम मिली है। आप तो एक दिन के लिए क्या एक पल के लिए भी मां न बन सकी। हमें मां का प्यार मिला जरूर, लेकिन अपनी मां से नहीं, एक नौकरानी से। आज भी हमारी आंखों के सामने उस आया की तस्वीर घूमती है, जिसके दिन हमारे लिए थे, जिसकी रातें हमारे लिए थी, जो हमारे लिए जीती भी रही और मर भी गई। मां का प्यार उसे मालूम था, मां के प्यार की कहानी वो अपने खून में लिख गई। मजे की बात तो यह है कि आज खून बहाने वाले प्यार की दुहाई दे रहे हैं। करण, सच्चाई कितनी कड़वी होती है, अभी तो हमने पूरी बात नहीं की। काश हम अपनी छाती चीर के दिखा सकते इसमें कैसे कैसे घाव पड़े हैं, और एक एक घाव चीख चीख के कह रहा है कि सामने जो खड़ी है तेरी माँ नहीं है करण, नफरत की देवी है जिसने पहले तेरी माँ का खून किया फिर तेरे प्यार का गला घोट दिया। यार, प्यार इन महलों में सबसे बड़ा जुर्म है, लेकिन ये बात बेचारी लता को क्या मालूम, वरना इस जानवर में सोए हुए इंसान को ना जगाती, उसे ये ना सिखाती, नफरत से प्यार ऊंचा होता है, पाप करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। हमने तो आपको भी माफ कर दिया था रानी माँ जी, लेकिन आपने खूब बदला चुकाया,
लता को महल से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन से बाहर निकाल दिया, और वो भी सीधी तरह नहीं, पूरी साजिश के साथ। आगे पर्दा था सिर्फ माँ के प्यार का, पीछे फिर वही खौफनाक खेल। एक बार फिर बेचारे प्यार को नफरत की देवी की चौखट पर बलि चढ़ाया जा रहा था। बस करो करण, हम और जहर नहीं पी सकते। ये जहर आपको पीना पड़ेगा रानी माँ जी। एक न एक दिन सबको उस दरबार में जाना है, जहाँ दौलत साथ नहीं जा सकती, ये महल साथ नहीं जा सकते। वहां जाके आप लोगों को मालूम होगा, जो इस दुनिया में कांटे बोते हैं उन्हें उस दुनिया में भी कांटे मिलते हैं। करण, तुम अपनी माँ को ऐसा श्राप दे रहे हो। श्राप के सिवाय देने के लिए हमारे पास है ही क्या? जब घर में आग लगती है उससे एक ही चीज उठती है, धुआं। ये समझ लीजिए हमारी जुबान से शब्द नहीं निकल रहे हैं, हमारा जलते हुए दिल से धुआं उठ रहा। हम जा रहे हैं। आपको मुबारक हो ये महल, आपको मुबारक हो ये दौलत, ये राज। कमाल है लता, अब हमारे साये से भी डर लगने लगा है। मुझे मालूम हो गया रोशनी और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता। लता तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तुम बेकसूर हो। मैं तो पहले ही जानती थी, आपको अब मालूम हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो गई है छोटी सरकार, जो कलंक मेरे माथे पर लगना था लग गया। वो कलंक हमने मिटा दिया है पूरे महल के सामने लता। आप इतनी दूर यही कहने आए? हम तुमसे माफी मांगने आए। जो सजा का हुक्म दे सकते हैं, माफ करना भी उन्हीं का अधिकार होता है। समझ लो लता, सजा देने वाले आज खुद तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आए। माफी देने वाली मैं कौन होती? मैं तो सिर्फ सजा सुन सकती हूँ, सजा भोग सकती हूँ। हमें एक बात आज मालूम हुई, अमीरों के महल अगर मकरूर हो सकते हैं तो गरीबों के झोपड़े भी कुछ कम नहीं होते। नहीं मिलता तो दोनों दरवाजों से क्षमा का दान नहीं मिलता। आप जो चाहे सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? पहले तुम्हारे और हमारे बीच लोगों ने अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर दी थी, उसे तो शायद हम तोड़ सकते थे। लेकिन ये दीवार जो तुमने खड़ी की है, तुम्हारे अभिमान की दीवार, इसका तोड़ना हमारे हाथ में नहीं है। आप भूल रहे हैं छोटे सरकार, ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है, गरीब का अकेला धन। ये धन भी मुझ गरीब के पास न होता तो मैं शायद जी न सकती। दूसरों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। बड़े सरकार अगर मुझ पर चाबुकें भी बरसा दे तो उनकी चाबुकों की ऐसी चोट न लगती जैसी चोट आपने मुझे पहुंचाई। शक तो आपने भी किया ना मुझ पर। मैं दूसरों के लगाए हुए इल्जाम भूल सकती हूँ, दी हुई सजाएं भूल सकती हूँ, लेकिन आपका शक नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मैं आपसे एक बात कहूँ छोटे सरकार? हाँ जरूर कहो, जरूर। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। आप पास होंगे तो आपका लगाया हुआ शक मुझे मार डालेगा, आप दूर होंगे तो मेरे जीने के लिए आपके प्यार के सहारे काफी हैं। तुमने ये भी सोचा यहाँ से जाकर हम कौन से सहारे ढूंढेंगे? फिर वही शराब की पुरानी बोतलें, रातों को वही गंदी महफिलों जिनमें प्यार नहीं है, सिर्फ जिस्म खरीदे जाते हैं। आप अब उन महफिलों में वापस नहीं जा सकते, ना ही शराब की बोतलों के सहारे ढूंढ सकते। आप मुझे वचन दे चुके हैं और आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे पास नहीं, उससे दूर नहीं। तो हमें तुमसे हमेशा दूर ही रहना होगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? आखिरी फैसला नहीं, आखिरी विनती है। तुम्हारी ये विनती हमारे भाई के चाबुक से कम जालिम नहीं है। लेकिन एक दिन जिसे तुम अपना स्वाभिमान कहती हो, अपना धन मानती हो, उसके लिए तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। हमारे सच्चे प्यार को ठुकरा कर तुम उतना ही बड़ा पाप कर रही हो जितना बड़ा पाप हमारे घर वालों ने किया तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर। हमने इन बोतलों को तोड़ दिया था, शायद इन बोतलों ने हमें बद्दुआ दी, इसलिए हमारा दिल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। छोटे सरकार, पूरन काका, पूरन काका तुम ही बताओ, हम रुपए से शराब की बोतलें तो खरीद सकते हैं लेकिन दिल कौन से बाजार में खरीदने जाए? इसलिए आज हम शराब से अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सरकार। पूरन काका, छोटे सरकार, लता तुम क्या समझते हम तुम्हारे सामने पी नहीं सकते?
हम उस वक्त तक पिएंगे जब तक तुम नशे के धुएं में खो नहीं जाती। और जानती हो, नशे के धुएं में सब कुछ खो जाता है। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप शराब पीते हैं? पीते थे, अब छोड़े। क्यों? किसी डॉक्टर ने मना किया है? जी नहीं, डेली डॉक्टर। लव अफेयर। मिस्टर करण सिंह, एक बात आपसे कहें, शराब पीना अच्छा नहीं है, लेकिन वर्षों पीने के बाद उसे फौरन छोड़ देना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। यू सी दैट? सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह है, आप नशे के लिए नहीं, दवा के तौर पर थोड़ी सी ब्रांडी सुबह और थोड़ी सी शाम को जरूर पी लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, अब पी नहीं सकते हम। अपनी सेहत के लिए भी नहीं? अपनी सेहत के लिए भी नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी नहीं। नो थैंक यू डॉक्टर। सके तो उसे भूल सकते हैं, मगर पिए कैसे? उसे भूल सके तो पी सकते हैं, मगर भूले। शराब से नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लाड़ी भी ज्यादा है।